अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेप बिल्डर टूल के बारे में, लाइव बकेट टूल के बारे में और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में। शॉर्टकट इसका इनके सामने ही है, जिस तरह के शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस एम, लाइव बकेट टूल का के और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का एल शॉर्टकट है। और ये हमने इधर क्लिक करके इस जगह पे इसको ले आए ताकि हम लोगों के लिए यूज़ करने में आसानी हो और सब कुछ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलें चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्ज करें मैं एक बॉक्स लगा लेता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो कलर, और इसको मैं स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। येलो बॉक्स मैंने लगा लिया, ओके। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्कल लगा लिया, उसको साइड पे कर दिया, और ऑल्ट प्रेस करके एक और मैंने एक सर्कल लगा लिया। ये हमारे पास दो सर्कल हो गए ओवरलैपिंग। उसके बाद तीसरा सर्कल भी इस तरह लगा दिया, चौथा सर्कल इस तरह लगा दिया। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टूल की तरफ, शेप बिल्डर टूल की तरफ। शेप बिल्डर टूल इधर भी नज़र आ रहा है, अदरवाइज आप इधर जाके क्लिक कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में ये सब टूल्स ऊपर वाले पढ़ लिए हैं, तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे तो जाएँ हमारे पिछले ट्यूटोरियल पे और उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वो ट्यूटोरियल भी देखें ताकि आपको चीज़ों को डिटेल में समझ आए। चले हम चलते हैं अपने शेप बिल्डर टूल की तरफ। सबको मैंने ओवरऑल सिलेक्शन कर लेनी है, इस तरह सिलेक्शन कर लिया है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ओवरऑल सिलेक्शन हो गई हमारे पास। अदरवाइज आपके पास दूसरी टेक्निक भी है, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किए रखा और इस तरह भी सिलेक्शन कर ली, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये आसानी है कि आप ड्रैग करके एक सिलेक्शन कर लेंगे, तो आप शेप बिल्डर टूल पर क्लिक करेंगे और ये जी ये इसने एक शेप बना ली है। ये इसने एक शेप बना दी है, पहले ये क्या चीज़ थी और अभी मैंने शेप बिल्डर टूल के ज़रिए इसको क्या चीज़ बना दिया है। शेप बिल्डर टूल का हम लोगों के पास एक आता है मोड, एक्सट्रैक्ट मोड भी आता है। एक्सट्रैक्ट मोड मैं आपको करके दिखाता हूँ कि चीज़ को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है शेप बिल्डर टूल से। ये मैंने फर्स्ट करें, मैंने एक पॉलीगॉन ले लिया। हम लोगों ने रिफ्लेक्ट टूल पढ़ा था, एग्जैक्ट रोटेशन के लिए हमने रिफ्लेक्ट टूल यूज़ कर लेते हैं। क्लिक किया रिफ्लेक्ट टूल पे, तो ये हमारे पास ये सेंटर पॉइंट इसने दे दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्लिक करके इसकी एक रिफ्लेक्शन निकाल लूँ, तो इस पर मैं जाऊँगा वर्टिकल पे क्लिक करूँगा और कॉपी कर लूँगा। सारे टूल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, तो इस तरह से सारे टूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बिगनर हैं तो आप चाहें हमारे पिछले ट्यूटोरियल की तरफ, तो फिर मैं दोबारा रिफ्लेक्ट पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रूलर्स आ जाएंगे। रूलर से मैं इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ सिंगल इसकी सिलेक्शन करता हूँ और रोटेशन टूल पे जाता हूँ। आल्ट प्रेस किए रखा मैंने और इसको पकड़ के इसका रोटेशन पॉइंट इधर रख दिया, फिर इसने मुझे दिया हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन, फिर मैंने इसकी कॉपी निकाल ली, ओके। सेम टू सेम हम दूसरे के साथ भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसको सिलेक्शन किया, रूलर पकड़ के एक ले आए अपनी गाइडलाइन के लिए कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है। रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया मैंने और मैं आल्ट प्रेस करके इसका पॉइंट इस जगह पर रख दिया और मैं इसको कॉपी निकाल लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ये सब हमारे पास बन गया। तो आप ये सोच रहे होंगे यार एक्सट्रैक्ट इधर से हम लोग क्या किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने ओवरऑल सिलेक्शन कर ली इसकी, शेप बिल्डर टूल पे सिलेक्ट करूँगा तो इधर जस्ट क्लिक करूँगा तो ये चीज़ एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें जो सेंटर पॉइंट था वो हमने निकाल लिया एक्सट्रैक्ट करके, ओके।
सिंपल सा टूल है, ज़्यादा वो मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप जो है ना खुद ट्राई करेंगे, मुझे पता है कि अगर आप जब ट्राई करेंगे, यही एग्जांपल मेरी घर में बैठ के एग्जांपल में, तो लोग जो है ना डायरेक्टली कहेंगे पकड़ के इस तरह कर लेते हैं, पकड़ के इस तरह कर लेते हैं, पकड़ के इस तरह कर लेते हैं, इस तरह भी तो काम हो सकता है। लेकिन चेक करें, ओवरऑल मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें सेंटर पर क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपस में मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिफ्लेक्शन टूल बहुत आपकी आसानी आपको पैदा करेगा। ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे होने चाहिए, फिर आप एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने अपने टूल को, जो हम शेप बिल्डर टूल को हम यूज़ कर सकते हैं, वो हैं हम अरेज मोड के थ्रू कर सकते हैं। अरेज मोड का मतलब आप तो समझेंगे नहीं इस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करो, फिर एक मैं पॉलीगॉन ले लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा येलो हो गया काम। तो इधर से मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ओवरऑल दोनों का सिलेक्शन करके फिर होती है चीज़ अप्लाई। शेप बिल्डर टूल पर क्लिक करूँगा और आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें इस कर्सर के साथ माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस कर देगा। और ये देखें किस चीज़ से हमने क्या चीज़ बना ली, वो हमारी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, इस चीज़ को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। ये देखें ये हमने शेप बना ली, इतनी ज़बरदस्त सी शेप हमारे पास अरेजर मोड के थ्रू आ गई। ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, लाइव बकेट टूल की तरफ। लाइव बकेट टूल का क्या फ़ायदा है वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइव बकेट टूल का क्या हमारे पास फ़ायदा आएगा, ये फर्स्ट करें, ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ब्लैक, और इसको मैं स्टॉप से भी काम कर लेता हूँ, कलर मैं इसका ऑन कर देता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट ऑल्ट प्रेस किया मैंने, इसकी कॉपी ले ली, ऑल्ट प्रेस किया इसकी मैंने कॉपी ले ली। ये देखें ये सब मैंने सर्कल्स बना ली हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार लाइव बकेट टूल और जो हमारे पास सिंपल जो टूल आ रहा था बकेट या ग्रेडियंट टूल, तो उसका उसमें क्या डिफरेंस है। लाइव बकेट टूल का ये मकसद है, वो भी मैं आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। कलर आप अगर करना चाहें तो एक से अलग से कलर कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन बना है, ये जो पोर्शन आपके सामने आ रहा है, मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये जो पोर्शन बना आ रहा है, पोर्शन वाइज अगर आप जो है किसी चीज़ को कलर आउट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लाइव बकेट टूल यूज़ करेंगे। वो कैसे, ओवरऑल मैंने सिलेक्शन कर ली, ओके मैं लाइव बकेट टूल पे सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मेरे पास कलर की ऑप्शन, मैं इस जगह को पिंक करना चाह रहा हूँ। ये ध्यान में रखें कि अभी मैं इस जगह पे करना चाह रहा हूँ, मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, ये देखें ये पिंक कलर हो गया इस जगह पे, पूरे ओवरऑल में नहीं हुआ, जो एरिया पे हम करना चाह रहे थे उस एरिया पे हमने कलर कर दिया। ओके नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ यार ब्लू कलर हो जाए, ओके ब्लू कलर ये वाले एरिया में हो जाए, ये ब्लू कर दिया मैंने। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि लाइट ब्लू हो जाए, लाइट ब्लू इस जगह पे हो गया, डबल क्लिक किया या लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया, इधर ग्रीन चाह रहा हूँ, ग्रीन हो गया कलर। नेक्स्ट इन पे आता हूँ, इन पे मैं येलो चाह रहा हूँ, मैंने येलो कर दिया डबल क्लिक करके, रेड चाह रहा हूँ, रेड क्लिक कर दिया, उसके बाद पर्पल कर लेते हैं, ब्लू ही सही है फिर। ओके जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आपके पास आया है, कितनी मज़े से आप लोग जो है ना इसको आराम से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप आम करते इसको तो पर करें, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, इसको कलर इसका मैं नल कर देता हूँ, इसको सर्कल को मैंने
ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले ली, ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले ली। ओके, जब मैं सर्कल पे कलर करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो पूरे सर्कल पे कलर हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर जो मर्जिंग वाली चीज़ें होंगी उनको आप आराम से कलर कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग मोस्टली जो मैं यूटिलाइज कर रहा था, मैं जो है ना इसको पेंट बकेट टूल को अपना लोगो बनाने के लिए, डिफरेंट मज़ेदार सा इफेक्ट देने के लिए, वो मैं 3D शेप देने के लिए मैं इसको लाइव बकेट टूल को यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, फिर लोग कहेंगे कि जाना कि आप ट्यूटोरियल को एक्सप्लेन नहीं करते सही तरह। तो मैं चाहता हूँ कि एक दो और एग्जांपल दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो चीज़ों को क्रिएट करना। हार्ड प्रेस करके मैंने एक कॉपीज ले ली, मैंने ओवरऑल सिलेक्शन कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि जाना मैं लाइव बकेट टूल पे सेलेक्ट किया, ये किया और ये कलर हो गया। नेक्स्ट, ये कलर डबल क्लिक किया, ये कलर हो गया, ये कलर किया, ये हो गया, ये कलर किया, ये हो गया, ये कलर किया, ये हो गया। ये देखें कितने मज़े की चीज़ हमारे सामने आ गई है, एक ये चीज़ और ये चीज़, कितना मज़ेदार फ़ायदा है इसका। और इसको आप यूटिलाइज करना चाहें लोगों में भी, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ए मैं पकड़ लेता हूँ, ओके, इसको मैं राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ, इसको लेफ्ट साइज बना लेता हूँ। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन में लगा लेता हूँ इस तरह, ओके, और एक और इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, एक और ब्लैक कलर वाली लाइन है, ओके। ये ओवरऑल मैंने सिलेक्शन कर ली, इसको भी मैं पकड़ के एक्सपेंड कर देता हूँ, वेक्टराइज बना देता हूँ, एक्सपेंड हो गए। फिर मैंने ओवरऑल इस पर सिलेक्शन कर ली, ओके। अब मैं जा रहा हूँ ये ऊपर वाले एरिया पे, डिफरेंट कलर हो इस पर आ गया, येलो कलर कर देता हूँ। लाइव बकेट टूल पकड़ा, इस पर येलो कलर कर दिया, रेड रेड पकड़ा, इधर रेड कर दिया, डबल ज़्यादा क्लिक नहीं करना, रेड आ गया। इसमें मैं चाह रहा हूँ दूसरा रेड हो जाए, डबल क्लिक क्लिक किया, एक क्लिक किया, ये हो गया। उसके बाद ये कलर हो जाए, ये कलर मैंने इस पे कर लिया और इस पे कलर कर लिया। ये देखें एक इफेक्ट कितना ज़बरदस्त सा बन के हमारे सामने आ गया है, ओके। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार इन चीज़ों को कैसे रिमूव किया जाए, वो आराम से हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास तीसरा टूल जिंदा है, ये ओवरऑल मैंने सिलेक्शन कर ली। ये देखें ये है लाइव सिलेक्शन टूल, पेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन आप जिसको करेंगे ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। इसको डिलीट का बटन दबा दिया, ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट दबा दिया, ये सिलेक्ट डिलीट, ये सिलेक्ट डिलीट। अगर आप इसको रहने देना चाहते हैं तो रहने दें, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें है कि मज़े का टूल। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, मैंने इसकी कॉपी ले ली, एक सिलेक्शन पे क्लिक किया, इसको फिर सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको सिलेक्शन की मैंने और डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्शन की और डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, ओके। कितना ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। ये चीज़ों को सिलेक्शन करने के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, जिस तरह मैंने अभी आपको आपके सामने ये दो चीज़ें करके दिखाई, और बहुत मज़ेदार काम, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप चाहते हैं
ये देखें ये चीज़, ये लाइन भी नज़र आ रही है, इसको आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं वो भी आपको मैं सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक्सपेंड कर लेना है ओवरऑल, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ओके ये देखें, इसको भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, वेक्टराइज बना लेता हूँ, ये खुद ब खुद ख़त्म होगी। ओके तो मसला कोई टेंशन वाली बात, ये तीनों टूल का यूज़ मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइव बकेट टूल को। लाइव बकेट टूल को एक्सप्लेन करने में इतना आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के सामने ना रहे। ये मैंने लाइन लगा ली, ये मैंने लाइन लगा ली, इसको मैं तीन पीसेस में बना दिया एक सर्कल को। हम जाएंगे लाइव बकेट टूल में, इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पे कलर कर दिया, इस पे कलर कर दिया, इस पे कलर कर दिया। हमने लाइव बकेट टूल पे गए, इस पे सिलेक्शन कर ली, इस पे सिलेक्शन कर ली, इस पे सिलेक्शन कर ली, इस पे सिलेक्शन कर ली। आप समझ होंगे यार, कलर सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो गई। दोबारा सिलेक्ट किया, ये ब्लैक ही हो रहा है यार, ब्लू कर दिया। उसके बाद मैंने पर्पल कर दिया और ये ब्लैक रहने देते हैं यार। ओके जी, ये देखें, ये था छोटा छोटा सवाल इस टूल का, और इस टूल को मैं यूज़ करता हूँ, खुद यूटिलाइज करता हूँ, लोगों के लिए भी यूटिलाइज करता हूँ। जिस तरह मैंने आपके सामने छोटा सा एग्जांपल दी, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऊपर बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब यूनस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।